कैसे हो आप? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपको अपनी मनी प्लांट का अरेंजमेंट करना बता रही हूँ। किस प्रकार इसको मैं अरेंज करके आपको दिखाती हूँ आगे का व्यू। देखिए मेरी डेजी भी आ चुकी है, इसको बहुत शौक होता है। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ सबसे पहले आती है ये। देखिए मोसी स्टिक मैंने इसमें लगा दी है, ये मैं आपको दिखाना भूल गई थी। ये मनी प्लांट मैंने सिंगल लीफ के द्वारा ग्रो की थी, जो कि बहुत अच्छी ग्रोथ इसकी हो चुकी है। देखिए कितनी शानदार, इसे कितनी बड़ी बड़ी इसकी ग्रोथ है। देखिए देखिए मनी प्लांट कभी भी नीचे की तरफ नहीं रहनी चाहिए। कि कहते हैं कि यदि मनी प्लांट नीचे की तरफ रहती है तो हमारे परिवार की घर की तरक्की रुक जाती है। इसीलिए हमेशा हमें मनी प्लांट को ऊपरी दिशा ऊपरी तरफ ही उठाकर या किसी चीज़ से हैंग करके रखना चाहिए। इसको हमेशा ऊपरी तरफ लपेट कर ही रखना चाहिए, कभी भी ज़मीन से टच करती मनी प्लांट नहीं होनी चाहिए। और ये मैंने सेफ्टी फील ली है, जो चूल्हे में लगाने वाली चीज़ होती है, इसके द्वारा मैं इसको उस पर फिर दोबारा इसी प्रकार से एक सेफ्टी पिन लीजिए। सेफ्टी पिन से इसको यहाँ पर टाइट कर दीजिए ताकि आपकी मनी प्लांट यहाँ से रहे। इस प्रकार से हमें सभी जितनी भी इसकी टहनियाँ निकलेगी उन सभी को इसकी मोसी स्टिक पर लपेटते जाना है। और पानी डालते समय हमेशा ध्यान रखना है इनकी पत्तियों, इसकी जो मोसी स्टिक है इस पर पानी डालना ताकि ये अच्छी प्रकार से ग्रोथ कर सके और इनकी जड़ें इनके साथ कनेक्ट हो सके और ये पौधा हेल्दी बना रहे।
एक ध्यान देने वाली बातें होती है दोस्तों। वास्तु के अनुसार हमें कभी भी मनी प्लांट को ज़मीन पर लेटे हुए नहीं छोड़ देना चाहिए, उनको हमेशा ऊपर की तरफ रखना चाहिए। ये सबसे पहले महत्वपूर्ण स्थान रखता है हमारे जीवन में। तरक्की हमेशा हमें ऊपर की ओर लेकर जाती है, इसीलिए मनी प्लांट भी हमें यह सिखाती है कि हमेशा आगे की तरफ, हमें हमेशा आगे की तरफ तरक्की करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। कभी भी एक जगह पर स्थिर होकर नहीं रहना चाहिए। यदि कोई पत्तियाँ सूख चुकी है तो उन वेस्ट पत्ते को निकाल दीजिए ताकि वो अपनी नई ग्रोथ ले सके। इनकी ट्रिमिंग करते रहिए सब समय पर। मेरी ये सभी टहनियाँ बहुत लंबी लंबी हो चुकी थी और मैंने इन सभी पे नए शेप, नए आकार देने का प्रयास किया है। आप भी इस प्रकार से अपने मनी प्लांट को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हो और अपने गार्डन को सजा सकते हो। यह प्लांट मेरे टीवी के नीचे वाले स्थान पर रखा हुआ था। सिर्फ मैंने इसको शेप देने के लिए इसको वहाँ से हटाया। देखे दोस्तों, देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। कितनी बड़ी बड़ी टहनियाँ थी, मैंने उनको सबको संभाल दिया, उसको निश्चित शेप दे दी। समय तो लगता है हर काम में, किंतु अब ये पौधा मेरा बहुत सुंदर निखर कर आएगा। आज पर दोस्तों मैं स्प्रे करके छोड़ दूंगी। देखिए, आपको मोस स्टिक पर पानी डालना है, बाकी इसमें अंदर डालने की ज़रूरत नहीं होती। यदि मोस स्टिक अच्छी तरह से गीली होगी तो आपका पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। ये मेरी टहनी है, मैं भी इसको भी अंदर की तरफ चला देती हूँ ताकि ऊपर इनके साथ जल पकड़ जाए, अच्छी इनकी ग्रोथ हो सके। इसको थोड़ा सा संभाल के दीजिए, बहुत प्यारे बनी है ताकि मेरे गमले का शेप बहुत खूबसूरत लगे। जो भी पीला पत्ता है, खराब पत्ता है, उसको हटा दीजिए। इस पर आपको रोज़ इसमें, इसके बाद ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको इसको रोज़ स्प्रे करना है। सर्दी में 3-4 दिन में कर दीजिए तो भी चल जाएगा, लेकिन गर्मी में तो आपको रोज़ ही धोना पड़ता है, क्योंकि गर्मी पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है पौधों को। बड़ों को ही पानी की आवश्यकता होती है, जैसे पौधों को, जैसे मानव को पानी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। कैसा लगा? यहाँ पर एक पिन, देखिए थोड़ी उठी उठी लग रही है ना, तो एक पिन यहाँ पर लगा दीजिए इसको। प्लांट का अरेंजमेंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है, एक सिंगल लीव से भी उग जाता है, कटिंग के द्वारा भी आसानी से उग जाता है। इसको पानी में भी आप ग्रो कर सकते हो, मिट्टी में भी आसानी से ग्रो कर सकते हो। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और शुद्ध ऑक्सीजन देता है आपके घर में, शुद्धता को आप प्रचार करता है। ये बहुत ही खूबसूरत पौधा है। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सबसे धन्यवाद। आज का ज्ञान यह है कि आप हमेशा अच्छा करते जाइए, मेहनत करते जाइए, ईश्वर आपके लिए और अच्छा सोच कर बैठा हुआ है।